आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर एक ऐसी डिश है जिसे हम ऑलमोस्ट बाहर रेस्टोरेंट में खाना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये घर में बनाना बहुत एक लेंथी प्रोसीजर है, हमें बहुत मसाले चाहिए, सब्जियां चाहिए। जो मैं आज आपको कढ़ाई पनीर बनाना सिखा रही हूँ, ये आपके फैमिली मेंबर्स, बच्चे सब ऑलमोस्ट लाइक करेंगे। और ये ऑलमोस्ट जितना भी आपको मैं बनाना सिखाऊंगी, आपके पास सारी सब्जियां और मसाले घर में ही अवेलेबल होंगे। अब मैं बताने जा रही हूँ कि कढ़ाई पनीर के लिए आपको कौन सी सब्जियां और मसाले चाहिए। सब्जियों में से आपको प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और अदरक, बस यही चार सब्जियां चाहिए। और मसालों में वही मसाले जो आमतौर में हम हर सब्जियों में यूज करते हैं, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, यही सारी चीजें चाहिए, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल एंड द स्पेशल थिंग, पनीर तो चाहिए ही चाहिए। आप कढ़ाई ले लीजिए और कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल के उसको गर्म कर लीजिए, और फिर उसमें जो आपने शिमला मिर्च चॉप करी है आप उसमें डाल दीजिए। हमें शिमला मिर्च फ्राई करनी है, और हमें उस लेवल तक फ्राई करनी है जब तक वो थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो जाए, हमें उसको बिल्कुल भी गला नहीं देना। अब ऑलमोस्ट जो लेवल हमें चाहिए था लाइट ब्राउन होने का शिमला मिर्च का, वो ऑलमोस्ट हो चुका है और मैं इसे निकाल रही हूँ। अब जो तेल हमारा ऑलरेडी गर्म हुआ ही पड़ा है, ये हमें कुछ मसाले चाहिए। अदरक भी मैंने इस तरह से काट लिया है, प्याज भी मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, जो आपने पहले देख लिया है वीडियो में मैंने कैसे काटे हैं। और ये शिमला मिर्च ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है लाइट ब्राउन में, और ये मैंने कुछ टमाटर लिए हैं जो मैंने बॉईल कर लिए हैं। अब तेल में आप थोड़ा सा जीरा डालिए, उसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने दीजिए। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। हम प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। ये टमाटर जो हमने गर्म पानी में पहले ही उबाल के रखे थे, अब मैं इनके छिलके उतार रही हूँ। जैसे कि अब हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम उसमें बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे। अब टमाटर के छिलके उतर चुके हैं, अब इनकी मैं फ्रेश प्यूरी बनाऊंगी। सबसे पहले हम टमाटर को स्मैशर से स्मैश कर लेंगे। अब इन टमाटरों का जूस अच्छे से निकल चुका है, अब मैं इन्हें ब्लेंड करूंगी। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सी भी यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा मिक्सचर प्रॉपरली रेडी हो जाए। अब हमारा तड़का अच्छे से तैयार हो चुका है, बस उसे इंतजार है टोमेटो प्यूरी का, वो भी फ्रेश वाली। अब इसको ब्लेंड करके हम इसे बारीक प्यूरी में तब्दील कर लेते हैं। नाउ वी आर रेडी टू कुक।
अब हम अपने तड़के में नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, इसे हम अपने मिक्सर में मिक्स कर लेंगे। अब जो टोमेटो प्यूरी हमने तैयार कर ली है, इसे हम कढ़ाई में डालेंगे और मिक्सर के साथ मिक्स कर लेंगे। और तैयार हो गई है हमारी अच्छी सी ग्रेवी। मेरे तो अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है इस यम्मी डिश को देखकर। जल्द से जल्द बने और मैं इसे खाऊं। आई होप आपने ये वीडियो ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह हम मिलते रहेंगे नई नई डिशेज के साथ। अब ये ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब मैं पनीर लिया है मैंने और मैं इसे बारीक बारीक पीसेस में काट लूंगी। आपकी सुविधा के लिए मैं ये वीडियो फास्ट में दिखा रही हूं कि मैंने पनीर कैसे कट किया है। अब जो हमने कैप्सिकम फ्राई किए हुए थे, मैं उसको तड़के में डाल रही हूँ। ये मैं प्रॉपर मिक्स कर रही हूँ। हम अपने पनीर की कटिंग पूरी कर लेते हैं जो रह गई थी। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है ताकि मेरी ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाए। आप भी अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उतना ही पानी लीजिए। आप देख सकते हैं कढ़ाई पनीर के लिए जो हमारे को मसाला चाहिए वो अब रेडी हो चुका है। अब हमारे को कढ़ाई पनीर के लिए जो मिक्सचर चाहिए था वो अब तकरीबन रेडी हो ही चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर के कटे हुए पीसेस। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है मसाले से। इस वक्त आप अपनी गैस की आंच सिम रख लीजिए या मीडियम, लेकिन आप तेज मत रखिए क्योंकि अब हमने पनीर डाल लिया है। अगर हम तेज आंच पे रखेंगे तो पनीर बिल्कुल टूट ही जाएगा। ये मैं थोड़ा सा मसाला टेस्ट कर रही हूँ कि नमक ठीक है कि नहीं।
पनीर को 2 से 3 मिनट पकने दीजिए। उसको आप कोई भी प्लेट या ढक्कन दे दीजिए। अब हमारा कढ़ाई पनीर ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसको अपनी कढ़ाई में सर्व कर रही हूँ। तो ये बन गया हमारा कढ़ाई पनीर। सो प्लीज आप इस डिश को अपने घर बनाइए, अपनी फैमिली मेंबर्स को खिलाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि उन्हें ये डिश कैसे लगी। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।